नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी संजय राय का आज को पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा। झूठ पकड़ने वाले टेस्ट से पहले आरोपी ने इस जघन्य हत्या के बारे में यह दावा किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोला। श्विनी वैष्णव ने आरोप लगाया है कि उनकी हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीएस लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। हैजबकी पीएम नरेंद्र मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। एसपी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी पर हमला करने के बाद तालाब में कूदा। लगभग 2 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ। हालांकि उसको बचाने की कोशिश भी की गई। बता दें कि गुरुवार को नागांव में ट्यूशन से लौटते वक्त एक नाबालिग के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस बीच गांव वालों ने मुख्य आरोपी के शव को कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत नहीं दी। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती मंत्री शेखर बाबू, राज्य मंत्री आर सक्करपानी द्वारा शनिवार को पलानी में उद्घाटन किए गए वैश्विक मुथामीज मुरुगन सम्मेलन ने डीएमके के खिलाफ एक मजबूत कहानी को तोड़ दिया, जिसे भाजपा और उसके अनुयायियों द्वारा नास्तिक और हिंदू विरोधी करार दिया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इस स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम का लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने त्रिपुरा में भारी तबाही मचाई। राज्य के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन बताते हुए कहा, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए मूल्य का नुकसान हुआ। वहीं 1.28 लाख लोग अब भी राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि खाद्यान्न और ईंधन का पर्याप्त भंडार है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 478 पार्टी कार्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि 563 कार्यालयों का निर्माण पूरा हो चुका, 96 कार्यालयों का काम जारी है। इनका भी निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। पार्टी का लक्ष्य हर जिले में कार्यालय और प्रदेश की राजधानी में मुख्यालय खोलने का है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बांग्लादेश संकट पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सीमा पार कर असम में आने की कोशिश कर रहे थे। सीएम ने कहा कि हाल ही में असम के करीमगंज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया। अगस्त के महीने में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। IMD के ताजा मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। कपलिंग टूटने से ट्रेन के 2 हिस्सों में बच गई। छूटी हुई बोगियों के यात्रियों में चीख पुकार मच गई, क्योंकि इस स्थिति में बोगियां पटरी से उतर सकती थी या किसी अन्य ट्रेन से टकरा सकती थी। गनीमत रहेगी किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।